जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है सुबह नाश्ते से। और मैंने कहा मैं ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो आपको नाश्ता भी दिखाती हूँ। अभी इधर जो है ना वो मैं दूध बॉयल कर रही हूँ और इस तरफ जो है ना वो चाय बन रही है। और इस तरफ जो है वो मोहम्मद जो है ना वो बहुत कुछ कर रहा है। मोहम्मद कह रहा है मैंने जो है ना वो पानी पीना, मैं अब थोड़ा सा ना फिर से बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि बच्चों के हवाले से जो है ना वो अभी इतना ठंडा पानी ठीक नहीं है। और एक मैं जी सुबह उठते ही जो है वो थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं बनाने लगी थी नाश्ता, लेकिन मेरी बहुत ही अच्छी जो है ना वो फ्रेंड है, उनका थैंक यू, वो उन्होंने सुबह सुबह जो है वो मुझे ये पूरी भिजवाई, साथ में ये सैलेड है, साथ में हलवा है और साथ में ये आलू चने का सालन है। तो शुक्रिया वास्ता, बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि जी आज तो जो है ना वो नाश्ते की छुट्टी हो गई है और आज जो है ना वो आराम से बस नाश्ता किया जाएगा। तो मैंने कहा मैं स्पेशल जो है ना व्लॉग में जो है ना वो थैंक यू भी करूँगी कि जी सुबह सुबह आपने जो ये काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, कभी कभार कर लेना चाहिए। एनीवे थैंक यू वस्फा। और यहाँ पे जो है वो मेरा कावा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं जो है ना वो इसमें दूध डालूँगी और चाय बनाऊँगी और नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो काम शाम करेंगे और आपसे मुलाकात होगी। ये देखिए ये मज़ेदार सी जो है ना वो चाय जो है ना वो बन गई है। और वैसे कच्चे दूध की जो चाय है ना वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो इस टाइम जो है ना वो दूध अभी आया ही था तो मैंने कहा चलो ना ऐसा करते हैं कि ज़रा फ्रेश दूध की बना लेते हैं, वरना तो फिर ज़ाहिर है बॉयल दूध की ही बनानी पड़ती है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ बच्चों का। मैंने कहा बच्चों के साथ ही जो है ना वो नाश्ता करूँगी और देखूँगी कि बच्चे जो है ना वो क्या खाना, जब ब्रेड भी है और ये चीज़ भी है, जो वो कहेंगे जो है ना वो हो जाएगा। अगर वो हलवा पूरी खाना चाहेंगे तो फिर वो खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं उन्हें जो है ना स्लाइस बना दूँगी या इवन पराठा भी बना के दे सकती हूँ, जो वो कहते हैं वो फिर बन जाएगा। चले जी मिलते हैं थोड़ी देर में। जी तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैं बादाम और ये है खुबानी और साथ में है ये जरके शीरी, आई थिंक यही है, और ये अंजीर है। ये इसकी गई थी फुप्पो जी वहाँ पर नारायण कगान और ये हमारे लिए जो है वो गिफ्ट लेके आई हैं। तो मोहम्मद मोहम्मद से थैंक यू फुप्पो, थैंक यू फुप्पो। तो माशाल्लाह से थैंक यू आप ही। मैंने कहा मैं आप ही का जो है ना वो थैंक्स जो है ना वो आपने व्लॉग में ही करूँगी, तो शुक्रिया आप ही। नहीं वॉश करके, वॉश करके मामा देगी, वॉश करके। तो जब भी बंदा वो उस साइड पे जाता है ना नारायण कगान की साइड पे, तो उसे जो है ना वो मतलब ये ड्राई फ्रूट जो है ना वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा मिलता है। तो फिर जो है ना वो दिल करता है कि जी यहाँ तो बेशक अभी गर्मी है, लेकिन जाहिर है जो बंदा वहाँ पे जाएगा तो उसे जो है ना वो यही चीज़ जो है ना वो सौगात के तौर पर नज़र आती है और है भी हेल्दी है। जिन लोगों को सूट करता है गर्मियों में वो खाते भी हैं और जिन्हें नहीं सूट करता वो नहीं खा सकते, कई इश्यूज़ हैं बीपी वगैरह के बहरहाल। लेकिन वैसे कहते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है ना वो आपको एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट जो है वो ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि वो अच्छा है आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। तो जाहिर है जी जो खाना चाहेगा वो खाएगा, जो नहीं खाना चाहेगा वो कहेगा कि नहीं जी मुझे ये इश्यूज़ हैं। बट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप एक मुट्ठी भर फ्रूट ड्राई फ्रूट जो है वो ज़रूर लें क्योंकि ये आपकी तमाम तर ज़रूरियात के लिए बहुत अच्छा है। चले मोहम्मद ठीक है, इसको क्लोज़अप करते हैं, आए चले जी मिलते हैं आपको फिर। ये देखिए जी आपने, आपको मैं पूरी बाइट बना के बताती हूँ। यस मोहम्मद बाय बाय, मोहम्मद गिरना जाना।
शावर कर लिया आपने? चलें जल्दी से करें। ये देखें जी, यहाँ पे मोहम्मद और किरण जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद ने भी शावर नहीं किया, किरत ने कर लिया है और अर्शमा ने कर लिया है। अर्शमा यहाँ से बेटा सीधा करें ऐसे, माशा माशाल्लाह। बाल भी बना लें, बच्चों को अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी नहीं याद रहती, और अर्श को जो है ना अक्सर अपने ग्लासेस जो है ना वो भूल जाता है। भैया अपने ग्लासेस ये ले लगाए, ये ठहरे इसमें रख। फ्रेश हो गए हैं, अब नाश्ता लगा दूं? चले ठीक मम्मा, ये ले। यहाँ पे जी नाश्ता हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो ये धनिया है, आज मैंने बनाने हैं चने। चने मैंने भिगो के रखे हैं। ये बर्तन है, अभी किचन साफ़ करना है, और अभी जो है ना बाजी ने भी आना है, तो चने देख के आते हैं कि वो भीग चुके हैं या नहीं, क्या हिसाब है उनका। तो जी नहीं, अभी इन्हें मज़ीद टाइम चाहिए होगा। अगर वैसे रात में जो है ना वो भीगे होगा, वो साफ़ होने वाला है। पता नहीं आज की इस तरह के मौसम में ना क्यों इतनी ज़्यादा मक्खी होती हैं। वैसे बरसात के मौसम में होती हैं, क्योंकि एक तो जो है ना वो कुर्बानी गुजरी हुई है, और उस वजह से भी है ये कि मक्खियों का जो है ना वो इशू जो है ना वो चलता है। तो यहाँ पे जी बच्चों ने अपने जो है ना वो कपड़े रख दिए हैं, इन्हें भी जो है ना मैंने ऊपर लेके जाना है लॉन्ड्री में धुलने के लिए। और दूसरा मैंने रूम अपना जो है ना वो नीट कर लिया है। पहले सबसे पहले उठते ही जो है ना वो फर्स्ट काम यही होता है कि मैं रूम को जो है ना वो नीट कर लेती हूँ। और ये देखें जी, ये बच्चों के यहाँ पे टॉयज पड़े हुए हैं ये सारे, इनको भी अभी जो है ना वो मैंने सेट करना है। तो अच्छा, ये जो है ना ये है माउथ वाश, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको जो है ना मतलब पेन है उसमें आपके टीथ में, तो ये आप नाम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपको जो है ना वो पानी में जो है ना वो यूज़ करना होता है, पानी में डाल के डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, बहुत तेज़ होता है। तो आप इसके जो है ना वो अच्छी तरह से इसकी इससे माउथ वॉश करें, और डेफिनेटली इससे जो है ना वो बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रश कर लें और ये करें, इसके बाद जो है ना आपकी टीथ पेन का बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल मुझे और अर्श को जो है वो इशू हुआ हुआ है इसका, टीथ का, तो हम दोनों माँ बेटा जो है ना वो ये ज़रूर यूज़ करते हैं, ये बेस्ट चीज़ है। ये कपड़े लेके जा रही हूँ ऊपर अब मैं, ताकि इनको जो है ना ऊपर लॉन्ड्री में इनकी रख दूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मोहम्मद के कपड़े निकाल रही हूँ कि मैं कौन से जो है ना उसके प्रेस करूँ आज ना, तो ये प्रेस कर लेते हैं उसके। और ये वो सारे धुले हुए कपड़े हैं जिनको आज मैंने लगानी है तय, तो इन्हें भी लेके नीचे चलते हैं। और ये जी मैं ले आई हूँ कपड़े नीचे, और जो ऊपर वाले थे वो मैंने ऊपर समेट दिए हैं, और जो नीचे वाले थे मतलब इस कबर्ड में रखने के लिए वो मैं ले आई हूँ। और अब इनको तय करके, तय लगा के तो फिर रखते हैं। ये लें जी, मैं आ गई हूँ यहाँ पर ऊपर करने के लिए बच्चों के कपड़े प्रेस। और ये जो है ये मैं किरत के प्रेस करने लगी हूँ। ये वाला जो पेयर है ना, ये से मैं साथ दूँगी, क्योंकि सुबह है वाटर डे इनके स्कूल में, तो मैं इनका जब जाएगी तो तब ये ले लेगी, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ज़रा गीला हो जाएगा, तो फुल पैंट जो है ना वो बेहतर है। तो एक पेयर ये वाला मैंने बनाया है, तो उसके बाद जो है वो मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी और बस फिर। और ये देखें जी, ये जो इतनी खूबसूरत सी रिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये अर्श जो है ना वो लेके आया किरत के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा देखें कि उसका उसके दिल में ये चीज़ आई है कि मैं अपनी बहन के लिए ना ये चीज़ लेके आऊँ। देखिए कितनी प्यारी है, बहुत क्यूट सी है। किरत आपको पसंद है? ठीक। ये देखें जी, यहाँ पे मोहम्मद जो है ना वो बाजी के साथ जो है ना वो खेलियाँ कर रहे हैं मोहम्मद बाजी के साथ। और यहाँ पे जो है ना वो मैं बना रही हूँ राइस,
और ये हैं चने, काले चने बना रही हूँ साथ में मैं। ये जी यहाँ पे मैं ना चने रही हूँ भून, और मैं हमेशा इसमें जो है ना इसी का उतरा हुआ जो है ना वो पानी डालती हूँ, इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और पीछे आपको अर्श और किरत की आवाज़ें भी आ रही होंगी, ख़ासतौर पर किरत की। और यहाँ पे जी चावल जो है ना वो ऑलमोस्ट बॉयल होने वाले हैं, और आज का जो है ना वो मेन्यू जो है ना वो ब्लैक चने और साथ में जो है ना चावल, धनिया जो है ना वो मैंने काट ली है, तो बस इंशाल्लाह जो है ना अब इसको जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो स्टीम दूंगी, क्योंकि अभी थोड़े से जो चने हैं ना वो कच्चे हैं, तो इनके बाबा को जो है ना वो बिल्कुल पके हुए चने पसंद हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना इसको प्रेशर देते हैं। और बच्चे अभी जो हैं वो यहीं पर हैं, क्योंकि अभी जो है ना एकेडमी का टाइम नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है ना वो खाना बन रहा है, और मैंने सोचा मैं आपको ना ज़रा बाहर का भी चक्कर लगवाती हूँ कि बाहर इस टाइम क्या हो रहा है। और बाहर पहले थोड़ी देर पहले तो जो है ना वो धूप निकली हुई थी, और अब जो है वो थोड़ा सा कहीं बादल कहीं धूप जो है ना वो है। हाजी गेट साफ कर लिए, तो ये देखें ये बाजी यहाँ से वॉश कर रही हैं, पता नहीं क्या है इस कलर को ना, इस पे जो मर्जी कर लिया जाए ना इसको कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। बाहर से अभी पानी गिराने वाला रह गया, तो बस अब जो है ना वो रेडी हो रहे हैं एकेडमी के लिए, और किरत को जो है ना वो मैं इसके बाल बना रही हूँ। वैसे तो ये कह रही है कि मामा मेरे जो है ना वो ओपन ही रखें, मैंने ये सोचा है कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो पार्टीशन दे के तो ज़रा सी जो है ना इसकी स्ट्रेटनिंग कर देती हूँ। तो आगे आगे जो है ना वो मैंने पोनी जो है ना वो कर दिए, फिर इधर फोन करें बेटा, ताकि जो है ना वो मैं इधर से भी आपके बाल बना दूँ। बाहर जो है ना वो प्रेशर की आवाज़ आपको आ रही होगी, खाना बन रहा है साथ साथ। ये पीछे मोहम्मद बोल रहा है बा 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 बा, मोहम्मद बुम्बा बुम्बा बुम्बा। आपको पता है ये मोहम्मद ने अपनी कारों का नाम रखा है बुम्बा 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 बुम्बा। ये है मोहम्मद, मोहम्मद कह रहा है हेलो गाइस। और ये जो है ना वो किरत जो है ना वो रेडी हो गई है, और ये किरत की प्यारी सी रिंग जो उसके भैया ने उसे दी है, और ये है मोहम्मद जी। इस टाइम मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है एक जगह पे इनके साथ, तो आपको भी लेके जाती हूँ, और वहीं पे बताऊँगी कि हम किस जगह आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। तो आए फिर हमारे साथ चलें। मैंने ये सोचा कि चलें आज आपको जो है ना वो बाइक पे भी थोड़ा सा घुमा लिया जाता है, गाड़ी पे तो अक्सर जो है वो मैंने वीडियो शूट की थी, लेकिन इस तरह से जो है ना वो मैंने कभी भी वीडियो शूट नहीं की थी, मतलब बाइक पे। तो मैंने कहा ये भी एक किस्म का थ्रिल है कि हम व्लॉगिंग क्या इसमें भी कर सकते हैं। हाँ भाई, मुश्किल तो ज़रूर होती है, ज़ाहिर है आप जब बाइक पे होते हैं तो फोटेज लेना जो है वो कतरे मुश्किल है, लाइक उससे मुश्किल है गाड़ी से। अच्छा, मेरी जो इंस्पिरेशन है इसमें वो एक व्लॉगर हैं सितारा यासीन, उनकी है। उन्होंने अपना जब व्लॉग का स्टार्ट किया था तो उन्होंने बाइक से ही किया था, और बाइक पे उन्होंने बहुत व्लॉग्स बनाए, और उनके व्लॉग्स जो हैं वो लोगों ने बहुत पसंद किए।
क्योंकि वो जो जेन्युइन वो जो थी वो दिखाती थी और वो चीज़ लोग पसंद करते हैं, लोगों को अच्छी लगती है। एनीवे जी, यहाँ पे मैं जो है वो एक सोसाइटी में मार्ट है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं और मैंने जो है ना दो चार चीज़ें लेनी थी बस। बॉर्डर ख़त्म हुआ था मोहम्मद का और बच्चों की जो है वो स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हुई हुई थी, तो वो इरादा था मेरा कि वो ले लेती हूँ। और फिर जो है ना वो मुझे एक ट्यूज़र चाहिए था वो मैंने लिया। हाँ, ये माय पेंसिल भी अच्छी है। आई थिंक जो है वो बच्चे आ गए हैं। आ गई मम्मा बहुत तंग कर रही है आज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और बच्चे माशाल्लाह से जो है वो एकेडमी से आ गए हैं और इतना टाइम हो गया ना वापसी पे इन्हें। टाइम जी ये देखें 7:15 हो चुके हैं और इस टाइम बच्चे आए हैं। अब मैं इनके लिए जो है ना वो खाना रेडी करने लगी हूँ, तो खाना रेडी करने के बाद जो है ना फिर मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने इन्हें जो है वो खाना दे दिया है माशाल्लाह से। यहीं पे जो है ना मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दें। सो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।